खाटू धाम की माटी भरे रास आ गई। देखो ये सिर्फ मेरे ही जीवन की सच्चाई नहीं है, वर्ल्ड के वो हर एक शाम प्रेमी के जीवन की सच्चाई है। प्रेमियों, जो जो खाटू नगरी गया, जिसने बाबा के दरबार में जाकर के अरदास लगाई, उसने आकर के वापस बस एक ही बात कही है दुनिया में कि खाटू धाम की माटी मारे रास। ऐसा दरबार प्रेमियों नहीं मिलेगा जिस दरबार में जाते ही बड़ी बड़ी अर्जियां, बड़े बड़े फैसले मिनटों सेकंड में हो जाते हैं। प्रेमियों, ऐसा दरबार दुनिया के अंदर कहीं नहीं। खाटू धाम की माटी की विशेषता मैं इस भजन के जरिए आपको सुना रही हूं। जब भी जाओ उस दरबार की मिट्टी को पहले अपने मत्थे पे ना तिलक लगाया करो प्रेमियों, क्योंकि उसी मिट्टी के जरिए हमें बाबा श्याम मिला है। बोलो खाटू नरेश की, बोलो लखदा तार की। आओ, एक एक शब्द बड़े गौर से सुनने वाला, और हर एक श्याम प्रेमी के जीवन की सच्चाई कि जब वो खाटू दरबार में गया और जब उस प्रेमी के ऊपर बाबा की कृपा हुई, उसके बाद दुनिया वालों को आकर के उस प्रेमी ने एक ही बात कही। आइए सुनाइए बाबा को और सुनिए। कण कण में तेरा वास प्रभु, जो करे दुखों का नाश प्रभु, दुनिया भर की खुशियां मेरे की खुशियां मेरे पास आई। भैया, दुनिया भर की खुशियां मेरे पास कब आई? जब बाबा खाटू धाम की माटी मारे। बाबा थारे धाम की माटी मारे रास आ गई। बाबा खाटू धाम की माटी मारे रास आ गई। किस किस को रास है खाटू धाम की माटी, और किस किस को उस मिट्टी के अंदर उनको बाबा श्याम मिला? उठाओ बिल्कुल सीधे हाथ और ये ताली बजा करके एक साथ, खाटू धाम की माटी मारे रास आ गई। खाटू धाम की माटी मारे रास आ गई। कण कण में तेरा वास प्रभु, कण कण में तेरा वास प्रभु, तो शायद आज पलक ये पलक बन के आज इस दरबार में खड़ी होकर गा नहीं रही होती। अगर आपके दरबार की मिट्टी इन प्रेमियों को रास नहीं आई होती प्रभु, तो शायद आपका आज इस प्रांगण के अंदर दरबार भी नहीं लगा होता, पर आज ये प्रेमी जुड़ करके आपको रिझा भी। खाटू धाम की हरे रास आ गई। कब आई आपके दरबार की मिट्टी, कब रास आई? ये हर एक श्याम प्रेमी के जीवन की सच्चाई है। जब वो दुनिया वालों से हारा है ना, तो किसी ना किसी एक प्रेमी ने आकर के उसके कंधे पे हाथ रख के ये जरूर कहा है कि भैया राजस्थान के अंदर जयपुर के पास एक खाटू नगरी है, वहां पे बाबा श्याम विराजमान है, तू एक बार उस दरबार के अंदर चला जा, उसके बाद देखना जो करिश्मा होगा। हर एक श्याम प्रेमी ने एक प्रेमी को ये बात जरूर कही, और कब कही और कब वो प्रेमी गया सुनना। कोई नहीं दिखो अपनो जग तू ही नजर माने आए। बोलो, कोई नहीं दिखो अपनो नजर माने आए। बाबा दिन अच्छा
भी रिश्ते हैं, लेकिन बाबा के साथ जो हमारा रिश्ता बना है ना, कोई नहीं देखो अपनो जग तू ही नजर मन आयो, कोई नहीं देखो अपनो जग तू ही नजर मन आयो, खाटू नगरी आ बैठो जग मेरो जी घबरायो, खाटू नगरी आ बैठो जग मेरो जी घबरायो। जी जिसको जितनी रास है उतनी आवाज में गाओ, खाटू धाम की थोड़ा और ऊंचे गाओ, खाटू धाम की सुनना प्रेमियों, खाटू धाम की मिट्टी की विशेषता सुन लेना, क्यों पूरा वर्ल्ड उस मिट्टी का फैन है, क्यों पूरा ऑल वर्ल्ड इस मिट्टी के जरिए आज कहते हैं जितने बड़े बड़े सेठ हैं ना, करोड़पति अरबपति खरबपति, वो दरबार में जाकर के सेवा क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज अगर हम दुनिया के अंदर सेठ हैं तो सिर्फ और सिर्फ बाबा आपकी बदौलत। खाटू की माटी का हमने देखा अजब नजारा, खाटू की माटी का हमने देखा अजब नजारा, क्या निर्धन क्या सेठ सभी को इसने पार उतारा, क्या निर्धन क्या सेठ सभी को इसने पार उतारा, क्या निर्धन क्या सेठ इस मिट्टी के जरिए पार हुई है प्रेमियों, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति खरबपति जिनके पास पैसे का अंत नहीं है, जिनके पास पैसे का अंत नहीं है, जिनके आगे पीछे नौकर जाकर काम करते, जो अपने घर में चम्मच तक भी नहीं उठाता प्रेमियों, कभी भी देखना खाटू दरबार में जाकर के नंगे पांव वो बड़े बड़े सेठ सेवा कर रहे होते हैं, पानी की ट्रे लेकर के आगे पीछे घूम रहे होते प्रेमियों के, क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आज हम दुनिया के अंदर सेठ हैं तो बाबा सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत, आपकी कृपा से, आपकी दया से। खाटू की माटी का हमने देखा अजब नजारा, खाटू की माटी का हमने देखा अजब नजारा, क्या निर्धन क्या सेठ सभी को इसने पार उतारा, क्या निर्धन क्या सेठ सभी को इसने पार उतारा, दुनिया सारी करके ये विश्वास आ गई, दुनिया सारी करके ये विश्वास, रेत नहीं मामूली ये तो है संजीवन बूटी, रेत नहीं मामूली ये तो है संजीवन बूटी, मामूली रेत नहीं है हम प्रेमियों के लिए बाबा आपके दरबार की मिट्टी, संजीवन बूटी जैसा काम करती है हमारे लिए, मौज करूं दिन रात शाम मैं सोऊं तान के खूंटी, मौज करूं दिन रात शाम मैं सोऊं तान के खूंटी, ऐसे ऐसे प्रेमी भी देखे हैं बाबा हमने जिनका आपके प्रति इतना दृढ़ विश्वास दृढ़ भरोसा, एक टाइम का खाना नहीं है उस प्रेमी के पास, घर के अंदर आटा नहीं है, घर के अंदर दाल नहीं है, लेकिन किसी ने कहा भैया कैसे चल रही है आपकी जिंदगी, उस प्रेमी का एक ही जवाब, बाबा की कृपा से मौज है और ये मौज हर रोज है, ऐसे ऐसे प्रेमी भी देखे। रेत नहीं मामूली ये तो है संजीवन बूटी, रेत नहीं मामूली ये तो है संजीवन बूटी, मौज करूं दिन रात शाम मैं सोऊं तान के खूंटी, मौज करूं दिन रात शाम मैं सोऊं तान के खूंटी, मैं तो खूंटी तान के सो जाता हूं बाबा, खूंटी तान के सोना बेफिक्र होके सो जाना, क्योंकि मुझे पता है कारोबार मेरो सांवरो चलावे, मेरी बैलेंस शीट और ऐसी बैलेंस शीट बनाता है प्रेमियों जिसके अंदर कुत्ते
फोटो आवे ना, ऐसी पहले शीट बना के तैयार कर देता है। जब बाबा के दरबार में जाते हो ना, जब मंदिर के प्रांगण की एक सीढ़ी चढ़ते हो, तो हमारे 12 महीने की बंद फाइल बाबा के दरबार में खुल जाती है। और जब सारी सीढ़ियां चढ़ के बाबा के दरबार में बाबा की नजरों से नजरें मिलती है ना प्रेमियों की, तब तक तो सांवरा उस फाइल पे साइन करके आपको मंदिर के प्रांगण के बाहर भेज देता है। ऐसा दरबार है ये। तेरी इस पावन मिट्टी में मैं मिट्टी हो जाऊं, बोलो। तेरी इस पावन मिट्टी में मैं मिट्टी हो जाऊं, बोलो बोलो। तेरी सदा सदा के लिए शाम तेरी गोदी में सो जाऊं, सदा सदा के लिए शाम तेरी गोदी में सो जाऊं। किन किन प्रेमियों के ये दिल के अरमान बाबा, जुबा पे हर घड़ी तेरा नाम आ जाए और तेरा नाम उस वक्त मेरे काम आ जाए। झुका हो मेरा शीश तेरे दरबार में प्रभु, उसी वक्त मेरी मौत का काम आ जाए। प्रेमियों, मौत से भी कह देना है, मौत तू तब आना जब मैं बाबा के लिए बाबा के सजदे में हूं, तुझे आने में मजा आए और मुझे जाने में मजा आए। समय जब आए मेरा ग्यारस की वो शाम हो, लब पे तेरा नाम हो जय जय शाम हो, शाम नाम की चादर तन पे अंतिम वस्त्र हमारा हो, और अंतिम सफर पे जब मैं निकलूं, कैसा लगाओगे जयकारा आगरा वाला, सदा सदा के लिए शाम तेरी गोदी में सो जाऊं, सदा सदा के लिए शाम तेरी गोदी में सो जाऊं। नरसी के होठों पे इतनी प्यास आ गई, नरसी के होठों पे इतनी प्यास आ गई। कदर रास आई है प्रभु सुनना, छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार, छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार, ओ बाबा मरते दम तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, सात जन्म नहीं जन्मों जन्म तक। छोड़ेंगे ना तेरा द्वार, ओ बाबा मरते, क्योंकि बाबा हरे 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 हो, तुम हरे के सहारे हो, हरे हरे हरे। ये मन विचलित क्यों है, जब वो बैठा है फिक्र करने वाला, जब सामने बैठा है तो क्यों बाबा के दरबार में भी आकर खुद की
फिक्र खुद कर रहे हो तो उसको भैया किस लिए बिठा रखा है आपने? ये विचलित होते हैं, हम प्रेमी का मन बड़ा विचलित हो जाता है। एक जगह काम नहीं बना, किसी ने कह दिया सालासर दरबार चला जा भैया वहाँ काम बनेगा, तो सालासर दरबार के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। अगर वहाँ पे भी काम नहीं बना तो किसी ने कह दिया खाटू नगरी चले जाओ वहाँ काम बनेगा, वहाँ नहीं बना तो मेहंदीपुर भेज दिया कि वहाँ चले जाओ वहाँ काम बनेगा। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं ये सोचा करो कि जिसने आज तक हमें संभाला है प्रेमियों, आगे भी संभालने की जिम्मेवारी उसकी है। हारे 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 हो तुम हारे के सहारे, जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है आंख के आंसू से चरण को धोता है, अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे हो ना जोर दिल पे चले। जाता हूं तो वो दो अश्रु बहने लग जाते हैं, इसके सिवा आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु सब तेरा, और तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागे। सुनने वाली बात है प्रेमी, सुनना। एक प्रेमी के घर बाबा शाम गए, भैया जी के घर बाबा शाम गए और जाकर के भैया जी से कहा बाबा शाम ने कि ये घर के बाहर इतनी बड़ी सारी गाड़ी खड़ी है, ये किसकी है? भैया जी ने कहा बाबा प्रभु ये गाड़ी आपकी है। बाबा जब घर के अंदर गए तो बाबा ने कहा ये इतना बड़ा सारा घर किसका है? तो भैया जी ने फिर वही जवाब, बाबा ये घर भी आपका है। और चहकता चहकता परिवार देखा बाबा ने तो कहा ये परिवार किसका है? तो भैया जी ने फिर वही जवाब, बाबा ये परिवार भी प्रभु आपका ही है। उसके बाद में बाबा मंदिर के प्रांगण में चले गए, जाकर के खड़े हो गए और बाबा ने कहा ये किसकी है? भैया जी ने पता क्या कहा, बाबा परिवार भी आपका प्रभु, बच्चे भी आपके दादार, गाड़ियां भी आपकी, बंगले भी आपके, सब कुछ आपका दादार, सिर्फ और सिर्फ ये मेरा है, सिर्फ और सिर्फ ये मेरा है। अगर ये आपकी जिंदगी में आ गया ना प्रेमियों, तो किसी चीज की कोई दरकार नहीं है आपको। आगे पीछे दुनियावी चीजें तो आगे पीछे दौड़ेगी, जब बाबा के दरबार में खड़े हो जाते हो ना तो छलिया को ही मांग लिया करो कि बाबा तू मेरी जिंदगी में आ जा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या दूं तुझे, क्या है मेरा, जो है मेरा वो, जो है मेरा नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे गाओ गाओ
लंबी चौड़ी बात नहीं है, बहुत कुछ नहीं करना पड़ता इसके दरबार में आकर के, सिर्फ हार जाओ उसके बाद में दुनिया की तमाम खुशियां इसके दरबार से मिलना संभव है प्रेमियों। ऐसा दरबार नसीब वाले समझा करो, अपने आप को सौभाग्यशाली समझा करो कि दुनिया के अंदर अगर कहीं हारने की दरकार महसूस हुई बाबा तो वो आपका दरबार था दातार। अगर आपके दरबार में नहीं हारे होते प्रभु तो शायद आपका दरबार हमें नहीं मिला हुआ होता। अगर आपका दरबार हमें नहीं मिला हुआ होता तो शायद आज आप ही हमारी जिंदगी के अंदर नहीं होते। विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया, बोलो बोलो। विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन लाया। जब भरी सभा के अंदर कौरव और पांडवों के बीच में जुआ खेला गया, बदकिस्मत की पांडव जुए में सब कुछ हार गए, अंतिम बाजी लगी, किसको लगा दिया? द्रौपदी को लगा दिया। और जब वो बाजी भी हारे, लाचार द्रौपदी ने जब हारे के सारे बाबा श्याम को आवाज दी, कृष्णा कृष्णा कहकर के जब पुकारा, भरी सभा के अंदर आकर के द्रौपदी की लाल बचाई प्रेमियों, साड़ी खींचने वाले खत्म हो गए लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुई। ऐसी कृपा की मृलख दाता ने विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया, विश्वास नानी द्रौपदी ने रंग लाया, बहना का भाई बन शर्मसार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी, गाइए गाइए, पूरा है विश्वास बना के गाइए, मेरी हार नहीं होगी। क्या साबिरे जब तू मेरे साथ है, साबिरे जो जो पहली बार आया होगा इस लाइन को सुनेगा पूरी कहानी समझ आ जाएगी उसको। जो हार जाते हैं उनको जिताता है, जो हार जाते हैं उनको जिताता है, मोहित कहे बाबा किस्मत जगाता है, मोहित कहे बाबा किस्मत। सरकार नहीं होगी, सरकारें बहुत आती है, कभी कौन सी सरकार आई अपना कार्यकाल किया और आगे चली गई, फिर दूसरी सरकार आई अपना कार्यकाल किया और चली गई। एकमात्र खाटू वाले बाबा श्याम की सरकार ऐसी है प्रेमियों जो जुगो जुगो से चली आ रही है और जुगो जुगो तक चलती। बोल खाटू नरेश की। सरकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, जब तू मेरे साथ है सावरे।